पिछले 8 साल में 19 दल ऐसे हैं जो एनडीए का पार्ट थे और छोड़ के चले गए। हमने किसी को नहीं भेजा है और ना हम भेजने वाले हैं। आप इलेक्शन के दौरान कहते थे बिहार के सबसे विश्वसनीय नेता नीतीश कुमार हैं, हमारे साथ हैं, हमारे रहेंगे, और वो पलटी मार गए। शब्द आपने उपयोग किया कि वो मार गए, पलटी, हाँ पलटी मार गए। तो अब वो मार गए तो मार गए, लेकिन हमने उनको नहीं भेजा। उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह हैं, उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर हम बीजेपी का साथ न छोड़ते तो हमारी सरकार पलट जाती। तो आप उनकी सरकार पलटें इससे पहले चाचा ने पलटी मारी। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपसे आपका परिवार न संभले और बोलो कि हम उन पर नजर रखते हैं, ये कमाल की बात है। चुनाव कोई भी जीते सरकार नड्डा जी अमित शाह मिलकर बना लेते हैं। इसका मतलब उनके एमएलए उनके कंट्रोल में नहीं है तो हिमाचल में सरकार चलने देंगे उनकी? मैंने तो कहा है कि हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप अपने परिवार को अच्छे से रखिएगा, इस बात की चिंता आप कर लीजिए। अब ये सुन के शक हो रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब वो अपने तरीके से चले। केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी ने 277 एमएलए तोड़े, हर एमएलए के 20 करोड़ लगाए तो 5,500 करोड़ रुपए नड्डा जी ने खर्चे। किसी नेता को बोर्ड लेकर के चलना पड़ा हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये पहला नेता मैंने देखा जो मैं इस तरीके से बोर्ड लेकर। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने मनीष सिसोदिया को ऑफर दिया कि हमारी पार्टी में आ जाओ, ईडी और सीबीआई के केस वापस ले लेंगे? सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे कट्टर लोगों को काहे को लेने वाले? कर्नाटक में आपकी मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन थोड़े दिन बाद सरकार आपकी बन गई। मेरी बहादुरी से ज्यादा उनकी नाकामी है कि नहीं है कि उनको छोड़ करके लोग दौड़ने के लिए आए? तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं उनको, हम उनको जोड़ते हैं। मैं पार्टी का साथ निभाता चला गया, कांग्रेस के एमएलए को अपनी पार्टी में मिलाता चला गया।